इन इदारों के जरिए हमारे ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए थे, क्या आज उन अदारों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है? उनको इमरान खान के मेगा बड़े बड़े स्कैंडल जो हैं वो नजर नहीं आते? उस वक्त भी इमरान खान तो हदायत जारी करता था ना कि फलां मेरे सियासी मुखालिफ को जेल में डाल दो, फलां को इलेक्शन तक जमानत ना हो, फलां की 2 साल तक जमानत ना हो, और आगे जो आला कार नैब को बनाया हुआ था जिसको हम नैब न्यायाधी गठजोड़ बोला करते थे। दूसरा आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है कि हमने क्यों नहीं किया। अगर लेकिन ये हमारी ड्यूटी नहीं है, लेकिन आपको आने वाले दिनों में इमरान अहमद न्यायाधी साहब के खिलाफ रेफरेंस, अब इदारे अगर खामोश हो गए तो हम नहीं होंगे, हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं कि आप लोग सुनने करवाने आए हैं। नहीं नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले, हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं और हम रेफरेंस दायर करेंगे इमरान अहमद न्यायाधी। चलें देख लेते हैं उस पे अमल दरामद कब होगा। ये हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं था एज़ा हुकूमत, हसन खान साहब एज़ा हुकूमत हमारे ये उन्हीं लोगों की ड्यूटी में शामिल है जिन्होंने हमारे 90 रोज के झूठे केसेस में रिमांड लिए और उसके बाद जनाब हमारी जमानतें जो थी, हमारे अकाउंट्स मुंजमद करवाए गए।